नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए रोड 14 की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। साहूकार का बेटा धन कमाने विदेश जाता है। जाते समय अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जब तक नहीं आऊं तब तक परिंडे का पानी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग बुझने मत देना। ये कहकर वो परदेश चला जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि कभी भी परिंडे का पानी खत्म ना हो और चूल्हे की आग ना बुझे। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन उनके घर की चूल्हे की आग बुझ जाती है और परिंडे का पानी भी खत्म हो जाता है। यह देखकर बहू घबरा जाती है और जल्दी से कुएं पर जाकर पानी लाकर पानी भर देती है। अब वह आग मांगने पड़ोस में जाती है। पड़ोसन उससे कहती है, आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता। बहू पूछती है, ऐसा क्यों? तब पड़ोसन उसे बताती है कि आज रोड 14 है। आज हम पूरा घर लीपते हैं। परिंडे का पानी गिराकर साफ पानी भरा जाता है और फिर अनाज पीसकर उससे रोट बनाते हैं, जिनकी पूजा करके कथा कहानी कहकर खाना खाया जाता है। यह सुनकर बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग बुझ गई है तो वो भी इस व्रत को कर ले। वह घर आकर पूरा घर लीपती है, परिंडे को साफ करती है। यह देखकर उसकी सास उस पर नाराज होती है। जब मेरे बेटे ने मना किया था, फिर तूने चूल्हे की आग क्यों बुझा दी? परिंडे का पानी क्यों बदल दिया? बहू कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। वह नहा धोकर अनाज पीसकर नई आग जलाकर रोट बनाती है। उस रोट में वह दूध, सूत, दूब, चना, धना, दही, सात चीजें डालकर रोट बनाती है। पूजा करके अपने सास ससुर को रोट खिलाती है और फिर खुद भी खाना खा लेती है। उस दिन उसका पति परदेश से धन कमाकर घर वापस लौटता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है, तभी रास्ते में उसे एक सांप मिलता है जो उससे कहता है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे टसूंगा। तो वह कहता है, मैं कई सालों बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे हैं। मुझे उनसे मिल लेने दे, फिर रात को तू मेरे घर आना। मैं अपनी पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूंगा, तुम उस पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। सांप उसकी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। अब वह लड़का घर पहुंचता है, खाना खाकर सोने जाता है। उसकी पत्नी थकी हुई होती है। वह रोट को कहानी सुनाकर अपने कमरे में रख कर सो जाती है, लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि आज रात सांप आकर उसे डसेगा। आधी रात के बाद सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। अब रोट में बैठे धना चना दूब सूत सब सोचने लगते हैं, इस बहू ने पहली बार रोट बनाए हैं। यदि आज इसके पति को सांप ने डस लिया तो हमें कोई नहीं मानेगा, ना ही कोई पूजा करेगा। इसलिए हमें इस सांप को मारकर इसके पति को बचाना होगा। ऐसा सोचकर वह सब अलग अलग हथियारों का रूप धर लेते हैं। कोई तलवार,
कोई ढाल तो कोई कटार बनकर रोड से निकलकर उस सांप को मारकर टोकरी से ढक देते हैं और वापस रोड में चले जाते हैं। अब बहू का पति चुपचाप ये सब देखता रहता है। निश्चिंत होकर वह सो जाता है। बहू सुबह उठकर अपने घर के काम धंधों में लग जाती है। जब बेटा उठता है तो माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटा आज तो तू खूब सोया। बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ कल तुमने क्या बनाया था, क्या पूजा था? उसकी माँ नाराजगी में कहती है, बेटा तू जो कहकर गया था बहू ने वैसा कुछ भी नहीं करा। परिंडे का सारा पानी गिरा दिया, चूल्हे की आग भी बुझा दी, पड़ोसन के कहे अनुसार रोट बनाए और पूजा करके खाना खिलाया। तब वह लड़का अपनी माँ को बताता है कि माँ कल मेरा काल आया था और इसी रोट ने मेरी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है। अब से सब लोग अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन रोट बनाएंगे और उनकी पूजा कर कथा कहानी कहेंगे।